आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बैठे पार्टी के मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री पूजन पाठक जी एवं उपस्थित प्रेस मीडिया के साथियों, आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, 2019 के चुनाव के बाद 2019 के चुनाव में हेमंत सरकार जो है लोक लुभावने वादे करके जनता के बीच जो है सरकार में आई, और सरकार में जब वो आने के समय चाहे उनके लोक लुभावने वादे, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने का सवाल हो, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट को 5,000-7,000 भत्ता देने का सवाल हो, या जो है किसानों के लिए जो है 2 लाख तक ऋण माफी का सवाल हो, या 5 लाख नौकरियों का सवाल हो, ऐसे कई लोक लुभावने वादे, जल जंगल जमीन की रक्षा का सवाल हो, कई सवालों को लेकर के और लोक लुभावने वादे लेकर सरकार आई। लेकिन सरकार जब आई तो आने के बाद जो पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रघुवर जी की सरकार के जो भी कल्याणकारी योजना था, उस योजनाओं को पहले उन्होंने बंद किया, चाहे वो किसानों के लिए योजनाओं हो या महिलाओं के लिए योजनाओं हो, योजनाएं हो रही हो, कई योजनाएं उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को आते के साथ बंद कर दिया। और सरकार जो है विकास के कार्य, आज 3 साल लगभग हो गए सरकार के, लेकिन विकास के कार्य में एक कदम सरकार आगे नहीं बढ़ी। सरकार जो है विकास के काम ठप रखे, कई बहाने भी बनाए कोरोना को लेकर के, कई बहाने बनाती रही सरकारें, लेकिन कई सरकारें कोरोना में कहां से कहां तक काम करके आगे बढ़ी, लेकिन इन्होंने सारा काम ठप रखा। आप जो जमीन पर दिखता है जनता देख रही है, और विकास के काम ठप रहे, उसके बाद जो है सरकार जो है सरकार में दलितों, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के अनेक कई उदाहरण, बड़े बड़े घटनाएं हुई, कई उदाहरण हैं इसके, और अत्याचार आदिवासी दलितों पर बढ़े, महिलाओं पर बढ़ी इस सरकार में। मैं पुरानी बातों को जाना नहीं चाहता, कई ऐसी घटनाएं हुई जिस तरह से आदि बच्चियों के साथ रेप के साथ हत्याएं हुई, कई कई घटनाएं आई, तो सरकार जो है उस दिशा में भी जो है महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हितों की रक्षा, उनके उन पर जो है घटनाएं बढ़ी इस सरकार में। आप देखे होंगे पिछले दिनों पलामू में कि मुसहर जाति के लोगों को, वर्ग विशेष को लोगों ने भगा दिया, सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो तुष्टीकरण की भी कई घटनाएं बढ़ी। और चाहे नमाज रूम का सवाल हो, चाहे आप मेन रोड में जिस तरह की घटनाएं हुई, उस घटनाओं में सरकार का जो रवैया आपने देखा, चाहे अभी जो चर्चा जब मैं पलामू की कर रहा था, वहां जो है मुसहर जाति के, दलित जाति के लोगों को जिस तरह से भगाया गया वर्ग विशेष पे, सरकार चुप्पी मार के रखी, सरकार उस पर भी फेल रही। तो चाहे विकास के काम हो, चाहे आदिवासी दलित महिलाओं पर अत्याचार के सवाल हो, या तुष्टीकरण के सवाल हो, इन सब चीजों पर सरकार तुष्टीकरण भी करती रही, इन सारे विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं फेल हो गई, सरकार काम नहीं कर पाई, सरकार के काम ठप रहे। और अब सरकार ने काम क्या किया, तो सरकार जो काम कर रही है वो तो मैं उस पर बाद में आऊंगा, और अब आ जाइए विधि व्यवस्था के सवाल पे। तो विधि व्यवस्था का क्या हालत है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़े गिनाए होंगे, 1.5 लाख, 1.5 लाख लगभग जो है घटनाएं हुई हैं, नॉन अवेलेबल घटनाएं जिसको बोलते हैं अपराध की घटनाएं, 1.5 लाख से अधिक घटनाएं हुई हैं, और करीब उसमें 5,000 से अधिक घटनाओं तो महिलाओं पर, हमारी माँ बहनों पर अत्याचार की हुई है, 5,000 से अधिक, आप सोच सकते हैं। ये सरकार की यही उपलब्धि रही है पिछले 3 सालों में कि विधि व्यवस्था पूरे राज्य का चौपट है। ये सरकार जो है पूरी तरह से, जिसको कह सकते हैं कि आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी रही, इन 3 सालों में लगभग ये सारे विकास के काम ठप रहे, सरकार आदिवासी दलितों के हितों की रक्षा नहीं कर पाई, उन पर अत्याचार बढ़े, तुष्टीकरण इस सरकार में बढ़े, और उसके साथ साथ जो है भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आप देखे होंगे कि अब सरकार आपके द्वार जा रही है, लेकिन सरकार आपके द्वार के जाते जाते सरकार चली गई ईडी के द्वार। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार
का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के पूरे उनका कुनबा जो है आज आधा कुनबा उनका जेल में है, आधा लगभग 80% उनके कुनबा जेल में है। और आपने देखा होगा कि अब मुख्यमंत्री जी को भी समन आ चुका है। तो यह भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी रही सरकार, यानी 3 सालों तक ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रही, विकास के काम ठप रहे, कोई काम ये सरकार नहीं की। आप जिस जहां भी देखिए, जिस इलाके में देखिए, जिस जल जंगल जमीन की बात करके यह सरकार सत्ता में आई, वह जल जंगल जमीन लूटने का काम यह सरकार की लूटती रही। और इसको लेकर के पार्टी सड़क से सदन तक संघर्ष किया है, आपने आप सब इसके गवाह रहे हैं। पार्टी सड़क से सदन तक इसके लिए लड़ी है, चाहे तुष्टिकरण के सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार के सवाल हो, चाहे विकास ठप रहे हैं उसके सवाल हो, इन सारे विषयों पर सरकार सदन से, भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सरकार के खिलाफ सदन से लेकर सड़क पर लड़ती रही है। और अब पार्टी ने अगले कड़ी में, अब ये जो जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, विकास के काम ठप है, तो अब धीर जो है जनता भी सरकार के खिलाफ आक्रोश में है। जनता भी अभी चाहती है कि ये सरकार जो है जिस तरह से काम कर रही है, इस तरह की सरकार जितनी जल्दी जाए उतना ही अच्छा है, जितनी सरकार के खिलाफ लोग हो गए हैं। और जनता भी सड़क पर सरकार के खिलाफ आने को तैयार है। और पार्टी ने तय किया है कि जिस तरह से पार्टी पिछले दिनों संघर्ष किया है, पार्टी ने तय किया है कि नवंबर में 7 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक सारे प्रखंड मुख्यालय 263 प्रखंड मुख्यालय पर पार्टी जो है प्रदर्शन करेगी, आक्रोश प्रदर्शन, क्योंकि अब जनता भी आक्रोशित है इस सरकार से। और जनता को साथ लेकर के, जनता के साथ कार्यकर्ता और जनता के साथ लेकर के इस आक्रोश प्रदर्शन में जनता उतरेगी प्रखंडों में, और 7 से लेकर 13 तक प्रखंड मुख्यालयों पर पार्टी प्रदर्शन करेगी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के जिन ये जो 4-5 बिंदु पर जो सरकार है, इन 4-5 बिंदु को लेकर के सरकार के खिलाफ जो है पार्टी सड़क पे उतरेगी। 7 से 13 तक जो है हम प्रखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। और 19 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक पार्टी जो है वह जिला मुख्यालयों पर सारे जिला मुख्यालयों पर पार्टी 19 से लेकर 23 तक इस सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेगी, सड़क पर उतरेगी। और जनता के सहयोग से इस सरकार को जो है हम जो यह सरकार जो है जो निकम्मी सरकार रही है, जो लोगों के कल्याणकारी पिछली सरकार को योजनाओं को बंद करके सरकार विकास के काम जो ठप करके रखी है, तुष्टिकरण सरकार में बढ़ा है, विधि व्यवस्था सरकार का चौपट जो रहा है इतने दिनों, तो इन सारे विषयों को लेकर के सरकार जो है ये 2 चरण में आंदोलन करेगी, 7 से 13 तक प्रखंडों में और 19 से लेकर 23 तक जिला मुख्यालय पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। इतना ही बात आपको आज हम बताने के लिए, हम आपसे आपके बीच रखने के लिए आप सबों को हम बुलाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सत्ता को बीजेपी जनता नहीं दे रही है तो एजेंसियों का इस्तेमाल करके लोकप्रिय सरकार को अपदस्त करने की तैयारी है। देखिए, जनादेश के आड़ में भ्रष्टाचार नहीं छिपता है, सरकार जनादेश के आड़ में भ्रष्टाचार को छिपाना चाहती है। बच्चा बच्चा जानता है यह सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और इसलिए जनादेश के आड़ में भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश यह सरकार कर रही है। जेएमएम के कार्यकर्ता पुराने तेवर में दिखेंगे कल महाजुटान। देखिए, इस एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि चोर मचाए शोर, तो इससे अधिक कुछ नहीं है। ये 11 को के विशेष सत्र है, 1932 आधारित जो स्थानीय नीति लाने की बात है वो अब केंद्र के पाले में कैसे लेके जाएगी। देखिए, सरकार जो है, सरकार पूरी तरह से फेल रही है, सरकार लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाई है, तो सरकार उससे ध्यान भटकाने के लिए कई तरह के जो है माया और जाल रचेगी, लेकिन जनता सब बेखूबी समझ रही है, उनके माया जाल में आने वाली नहीं है।